उत्तरकाशी के असी गंगा घाटी क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर ढोल नगाड़ों के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर पर्यटक स्थल गंगोरी डोडी ताल मोटर मार्ग बदहाल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई बार वो मार्ग की बदहाली को लेकर शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गुस्साए ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के बाद भी उसी ठेकेदार को कार्य दिया जा रहा है। गंगा घाटी क्षेत्र के लोग हैं हम लोग, और हमारे यहाँ जो है पीएमजीएसवाई के द्वारा 2013-14 में जो आपदा के बाद पीएमजीएसवाई के द्वारा जो रोड बनाई जा रही थी वहाँ पे ऐसा ठेकेदार है जो कि 9 साल से वहाँ पे है और रोड की स्थिति 9 साल से जस की तस है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने कई बार जो है शासन प्रशासन को लिखा, नहीं तो ठेकेदार हट रहा और नहीं वो रोड पे काम करता है। अब समझ में नहीं आता है कि ठेकेदार बड़ा है या शासन प्रशासन बड़ा है। और इस बार हमारे असी गंगा घाटी के क्षेत्र के वासी में अगर रोड का तुरंत सुधारीकरण नहीं होता है तो इस बार ग्रामीणों का कहना है कि हम पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करेंगे और 2022 विधानसभा के चुनाव में हम वोट डालने नहीं जाएंगे। और उत्तरकाशी से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुनील थपरियाल। सुनील, बड़ी हैरानी की बात है कि जिस ठेकेदार को या जिस कंपनी को गवर्नमेंट एक बार ब्लैकलिस्टेड कर देती है उसके बाद ब्लैकलिस्टेड होने के बाद भी उसी ठेकेदार और उसी कंपनी को ठेका दिया जा रहा है, कारण हैं। और जिस तरह से ग्रामीणों के द्वारा भी जो है आक्रोश, अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से आक्रोश है, विभाग द्वारा जो है ब्लैक लिस्टेड करने के बाद भी वो ऊपरी जो बैठे सरकारी अमला है वो उनसे दबाव डला करके दोबारा जो है काम जरूर ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो असी गंगा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो इतने आक्रोशित है कि अगर उनको सड़क नहीं बनती है तो वो वोट भी नहीं डालेंगे। और इसके अलावा जो है आराकोट क्षेत्र के लोग भी हैं जहां पर जो है 2019 में आपदा आई थी, वहां पर भी जो है कोई काम नहीं हुए, जो पुल टूटे थे, जो रास्ते टूटे थे, जो सड़क मार्ग टूटे थे वो अभी तक नहीं बन पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक जो है क्योंकि 2022 का चुनाव है तो लोगों के पास अभी एक ही जरिया रहता है कि इस टाइम नेता जो है वो जनता के द्वारा आते हैं, जनता से वोट मांगने आते हैं, तो एक विरोध का एक जरिया है कि वो चाहते हैं कि उनके जो मार्ग हैं, वो जो सड़कें हैं जो बदहाल पड़ी हुई हैं उनका जो है डामरीकरण होना चाहिए, वो मार्ग बनने चाहिए, उसी को लेकर के इन्होंने जो है इस टाइम असी गंगा क्षेत्र के जो गाँव के लोग हैं उन्होंने जो है चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत जल्द जो है आचार संहिता लागू होने वाली है। इस बीच अगर भाजपा सरकार अगर कुछ निर्णय ले सके तो उनके हित में होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आक्रोशित हैं। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।